सुमन શાળાના શિક્ષકને એકાએક કાઢી મૂકવામાં આવતા વિદ્યાર્થીઓએ વિરોધ નોંધાવ્યો। પાંડેસરાના નાગસેન નગરમાં ચાલતી સુમન શાળામાં વિદ્યાર્થીઓએ આજે શાળામાં હોબાળો મચાવી દીધો હતો। ઉડિયા મધ્યમમાં ભણાવતા શિક્ષકને એકાએક જ કાઢી મૂકતા વિદ્યાર્થીઓએ સરને પરત લાવવા માટે માંગણી કરી હતી। છેલ્લા 5 વર્ષથી વિભૂતિ નામના શિક્ષક સુમન શાળામાં વિદ્યાર્થીઓને ભણાવતા હતા। શાળાના પ્રિન્સિપાલ દ્વારા તેમને કાઢીને અન્ય એક શિક્ષિકાને વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવા માટે બોલાવતા વિદ્યાર્થીઓએ વિરોધ કર્યો હતો। આ મામલે વિદ્યાર્થીઓએ હાથમાં કટઆઉટ લઈ ધરણા પર બેસી વિરોધ નોંધાવી વિભૂતિ સરને પરત રાખવા માંગ કરી હતી। વિદ્યાર્થીઓએ જણાવ્યું હતું કે વિભૂતિ સર સારી રીતે ભણાવતા હતા અને તેમની જગ્યાએ રાખવામાં આવેલ શિક્ષિકા તેમને યોગ્ય રીતે ભણાવતા નથી। કેમેરામેન હકીમ શેખ સાથે વસીમ હાસમીનો રિપોર્ટ, આઝાદ ન્યૂઝ, સુરત। નમસ્કાર, મેરા નામ હે લીલેશ કુમાર સેઠી। मैं सुमन हाई स्कूल 15 उड़िया माध्यम में पढ़ता हूँ और मैं 10वीं क्लास का छात्र हूँ। आज हमारे यहाँ स्कूल का एक अच्छे टीचर एसएस टीचर को निकाला गया है उनका प्लानिंग करके। जब हमारे सर का कोई गलती नहीं है। हमारे सर को निमोनिया जैसी इतनी बड़ी बीमारी हुई थी। सर हमारे बात भी नहीं कर पाते थे ढंग से, हम कहीं पढ़ाएंगे। और सर 10 दिन के लिए छुट्टी लिए थे और स्कूल नहीं आए थे। तो हमारे स्कूल में 2-2 आर्ट्स टीचर रहकर भी हमारे को नहीं पढ़ा, हमको हमें आधा दिन पढ़ाया गया। और मैम ने, प्रिंसिपल मैम ने दूसरे टीचर को बुलाया, एक और मैम को बुलाया, पर वो भी अच्छा नहीं पढ़ा रहे। हाँ, और वो सही से पढ़ा नहीं पाए तो वो चले गए। दूसरा मैम भी आए, वो ढंग से नहीं पढ़ा पाए तो वो भी चले गए। फिर एक रत्नाकर सर आए हैं जो अभी हमको पढ़ा रहे हैं, वो हमको अभी पढ़ा रहे, पर हम जो पढ़ रहे हैं ना, हमारा मैनेजमेंट नहीं हो रहा है सही से। समझ में आ रहा है, एक्स्ट्रा कोई नहीं पढ़ाते सर। हाँ, जैसे हमको विभूति सर हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हम 5 साल से इधर रहे और उनका एक्सपीरियंस भी है। हम इधर से 2 साल से पढ़ रहे हैं और सर हमारा 9th पेपर चेक कर रहे थे और सर ने हमको समझाया और हमने भी सर को समझाया। अगर सर स्कूल से निकल गए तो हम इधर क्या करेंगे? अगर सर निकल जाएंगे तो हम भी निकल जाएंगे LC लेकर, हम इधर नहीं पढ़ेंगे।